नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद से आपको बता दें कि किसानों के गुस्से की आंच जो बागपत में भी दिखाई पहुंच गई है। आपको बता दें कि इस घटना से नाराज बागपत के किसानों ने दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 709B को जाम कर दिया और वहीं रमाला थाना इलाके के किशनपुर बिराल गांव के सामने किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। वहीं नेशनल हाईवे पर किसानों के धरना प्रदर्शन की वजह से भीषण जाम लग गया और कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें भी लग गई और बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से भी किसान वहां पहुंच रहे थे और आसपास के थानों से पुलिस फोर्स को भी बुला लिया गया, फिर जाके मामले को शांत कराया गया है। जाम तो रहेगा भी, तो संयुक्त मोर्चे का इतना कोई निर्णय आवे किया होगा, वो निर्णय भी नहीं आया। इतना उसका निर्णय आवे इतना जाम रहेगा। मांग क्या है? मांग तो वहाँ 8 मर गए 15 मर गए, उनकी कुछ लखीमपुर खीरी का नहीं पता है, तो उस आक्रोस में है मामला। 709 जाम इस समय खड़े हैं, जाम है। हालात यही रहे तो देश जाम होगा, रात को नहीं हुआ तो सवेरे होगा। सरेआम आदमियों की हत्या की जा रही है सरकार। हापुड़ में पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए जयंत चौधरी का काफिला निकला और वहीं गढ़मुक्तेश्वर थाना प्रभारी से धक्का मुक्की हुई। आपको बता दें कि जयंत चौधरी का काफिला हापुड़ से निकल करके लखीमपुर जा रहा था और जयंत चौधरी के काफिले में भारी संख्या में लोग भी मौजूद थे। दरअसल ये मामला हापुड़ के ब्रजघाट टोल प्लाजा का है, जहाँ पर लखीमपुर के घटनास्थल पर जा रहे किसानों की हत्या की गई थी, जहाँ पर तब पुलिस उनको रोकने की कोशिश की, जिसके कारण पुलिस वालों से वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आए हैं। सपा कार्यकर्ता लोहिया प्रतिमा के पास बैठे धरने पर आपको बता दें कि सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नजरबंद करने की वजह से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और वहीं लोग कह रहे हैं कि सपा सुप्रीमो को लखीमपुर जाने से रोका गया है और साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव को नजरबंद करने से सपा कार्यकर्ताओं में क्रोध भी दिखाई पड़ा है और सपा सुप्रीमो को जब तक लखीमपुर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे रहेंगे और प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं के धरने की सूचना पर लोहिया प्रतिमा के पास बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी है। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रविवार की दोपहर आपको बता दें कि अहिल्यागंज के जंगलों में एक वन्य जीव के आ जाने की सूचना बड़ी तेजी से फैल गई और वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी मेघराज शर्मा ने अपनी टीम के साथ अहिल्यागंज ग्रामीणों से जानकारी हासिल की, तब जाकर पूरा मामला सामने आया और बताया जा रहा है कि अहिल्यागंज के आरक्षित वन क्षेत्र के गड्ढे में दबा हुआ तेंदुआ का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि करीब 2 वर्ष के तेंदुए के शव पर कई बड़े चोटें भी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा और साथ ही पता चला है कि किसी ग्रामीण के खेत में कटीले तारों की वजह से उसमें फंस कर तेंदुए घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने वाले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आज सपा नेताओं ने आपको बता दी कि जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा था, वहीं कार्यालय पर धरने देकर भी बैठे थे। वहीं साथ ही यूपी के औरैया जनपद में जिला मुख्यालय ककोर में सपाइयों ने लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंद कर मारने के प्रकरण में राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपा है उन्होंने, जिसमें वर्तमान सरकार की नाकामियों व किसानों की हत्या करने वाली भाजपा सरकार के विरोध में ज्ञापन सौंपा है और सपा जिला अध्यक्ष व साथ ही पूर्व सांसद प्रदीप यादव समेत भारी संख्या में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो गई, प्रजातंत्र खत्म हो गया। किसानों पर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चला दी, 8 लोग मारे गए। आज की ये सरकार इतनी घमंड में चूर है, ये सरकार पहले ठोकने को आदेश देती है, फिर ये सरकार गाड़ी पलटने का आदेश देती है और फिर ये सरकार लोग किसानों पर शांतपूर्ण धरना बैठे उन पर।
प्रयागराज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से निषादों के वोट को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए भाजपा ने संजय निषाद को उतारा है और बीजेपी की रणनीति को धार देने के लिए संजय निषाद ने राम निषाद मिलन ने 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी करने शुरू कर दी है और साथ ही वहीं कांग्रेस सपा और बसपा को निषादों को ठगने वाला भी बताया है और भाजपा ने निषादों का वोट एक करने और साथ ही उसे बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को भाजपा ने चुनावी रण में उतार दिया है। सरकार ने योजनाओं का लाभ निःशुल्क दिलाने का सफल प्रयास कर रही है जहां पर लेकिन एक ताजा मामला गोंडा जनपद के विकास खंड तरबगंज अंतर्गत ग्राम सभा अकबरपुर से सामने आया है। यहां के निवासी विश्व प्रकाश ने डीएम से शिकायत की है कि जिसमें आरोप लगाया गया है कि ग्राम प्रधान व उनके प्रतिनिधि द्वारा दर्जनों आवास लाभार्थियों से पीएम आवास की पहली किश्त खाते में आने पर 10,000 रुपए की अवैध वसूली की गई है। तो वहीं डीएम ने शिकायत दर्ज की है और साथ ही इसकी जांच बीडीओ को सौंपते हुए कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। 40,000 मिले रहे तो 10,000 प्रधान ले लिया। प्रधान ने 10,000 ले लिया, क्या बता के लिया? खर्च किया हम तो। 40,000 का पैसा देना पड़ा है कहीं पे? हाँ, 10,000 लिए। 10,000 कौन लिया? बबलू। बबलू कौन है? जुगेल सोनभद्र उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री बनाए जाने पर वनवासी बाहुल क्षेत्र जुगेल में प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत एवं साथ ही अभिनंदन किया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधन के सम्मान समारोह में सर्वप्रथम विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर स्वागत किया है। सोनभद्र को बहुत बड़ा सौगात देने जा रहा हूँ। साथियों, कोई ऐसा गांव नहीं छूटेगा, कोई ऐसा घर नहीं छूटेगा जो वंचित रहने का काम होगा। साथियों, आज बहुत तीन सालों से लगभग ये बरारी का जो पुल है, पुल क्योंकि पुल का शिलान्यास तो हम कर देते, लेकिन तब से इधर बीच जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलावा आ गया और आप लोग के आशीर्वाद से हमें मंत्रिमंडल। बागपत में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वहीं जिसमें एक युवक शूटिंग कोच की बेरहमी से लात घूसों से जमकर पिटाई की जा रही है, तो वहीं वहां पर खड़े अन्य लोग युवक की पिटाई को देखकर तमाशबीन बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिटाई का वायरल वीडियो कोतवाली बड़ौत क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर थाने के बाहर आधा दर्जन युवक खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही वहीं पर एक युवक उससे गाली गलौज करता है, फिर उसके बाद फिर उसे लात घूसों से बाइक सवार की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जनपद बागवत के दाहा गांव निवासी जितेंद्र पुत्र विनोद कुमार राणा की घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वही बताया जा रहा है कि विनोद राणा एक साल पहले सीओ पद में रिटायर्ड भी हुए थे और वह परिवार के साथ साथ गांव में भी रहते थे। उनका इकलौता बेटा 32 वर्षीय जितेंद्र राणा खेती बाड़ी भी करता है, वह शराब पीने की आदी है और साथ ही इसको लेकर आए दिन घर में विवाद होता रहता था। तो वहीं जब रविवार के 8:30 बजे जितेंद्र राणा शराब पीकर घर पहुंचा तो डांटने पर जितेंद्र राणा ने कुर्से उठाकर अपनी माँ विनेश देवी को ही मार डाला, जिसके कारण क्रोध में आकर रिटायर सीओ विनोद राणा ने अपने बेटे जितेंद्र राणा को गोली मार दी। आपको बता दें कि जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने रिटायर्ड सीओ विनोद राणा को घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जितेंद्र राणा के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।